हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बढ़िया सी माउथ वाटरिंग स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी जिसका नाम है ब्रेड पकौड़ा चाट, जिसे देखते ही आपका दिल करे खाने का। चलिए बना के रेडी कर लेते हैं इसे। इसके लिए हमने ले लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स: 4 हरी मिर्च, 5-6 गार्लिक, 1 टीस्पून जीरा। इन सभी को हमें दरदरा सा कूट के रेडी कर लेना है। कुछ इस तरीके से जीरा, हरी मिर्च और गार्लिक को हमने क्रश करके रेडी किया है। आलू को हमें मैशर की हेल्प से मैश कर लेना है, उसे हमें फाइन मैश नहीं करना है, मोटा मोटा सा हम उसे मैश करके रेडी करेंगे। अब यहाँ चेक कर सकते हैं। पैन में हमने ले लिया है 1 टेबलस्पून ऑयल, उसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून राई। राई जैसी हल्की हल्की क्रैकल हो जाए उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा। जीरे को हमें हल्का सा कुक करना है गोल्डन हुए तक। इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 मीडियम ऑनियन, जिसे हमने बहुत ही फाइन चॉप किया है। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ऑनियन को तब तक कुक करेंगे जब तक वो हल्की सी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब यहाँ ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, हरी मिर्च, गार्लिक और जीरे का क्रश किया हुआ मसाला। इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स करके कुक कर लेना है। इसी हल्के से कुक हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी। हल्दी और बाकी मसाले हल्के से कुक हो जाए उसके बाद हमें यहाँ पे ऐड करना है 1 टेबलस्पून बेसन। 2-3 मिनट कंटिन्यूसली बेसन को हमें यहाँ पे भूनना है जब तक जो बेसन है वो प्रॉपरली कुक ना हो जाए। जैसे ही बेसन यहाँ पे कुक हो जाए उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। हरे धनिए से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मसाले में। इसी मोमेंट में अब हम ऐड करेंगे मैश किए हुए आलू। आलू को हमें मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करके बाइंड कर लेना है। जैसे ही आलू अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हम यहाँ पे लीड से कवर करके इसे 2-3 मिनट कुक करेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। आलू जो है वो प्रॉपरली कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। इन सभी को मिक्स कर लेंगे। आलू का मिक्सचर बन के रेडी है, इसे हम ठंडा करने के लिए साइड में रख देते हैं और बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ हमने ले लिया 2 कप ऑफ बेसन। बेसन का हमें बैटर बना के रेडी करना है पकोड़ों के लिए। उसके लिए हम ऐड करेंगे कुछ मसाले: 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1 पिंच ऑफ कुकिंग सोडा। इन सभी को हमें बेसन में ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। जैसे ही सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाए धीरे धीरे करके पानी इसमें ऐड करेंगे और एक प्रॉपर बैटर रेडी कर लेंगे। बैटर यहाँ बनके रेडी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, ना ही ज़्यादा थिन और ना ही ज़्यादा थिक, मीडियम कंसिस्टेंसी का इसे हमें रखना होता है। आलू की स्टफिंग प्लस बेसन का बैटर दोनों बनके रेडी है। चलिए अब प्रिपेयर कर ले एक मज़ेदार ग्रीन चटनी। के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 कप हरा धनिया, 1/2 कप पुदीना, 2 हरी मिर्च, 4 गार्लिक क्लोव्स, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रोस्टेड चना। सभी को ग्राइंडर में पीस के हमें एक फाइन सी चटनी प्रिपेयर कर लेनी है। ये बनके रेडी है हमारी ग्रीन चटनी। अब बारी है ब्रेड पकोड़े को असेंबल करने की। ब्रेड स्लाइस और उसके ऊपर अप्लाई करेंगे टोमेटो केचप को। केचप से हमें पूरे ब्रेड को कवर कर लेना है। ये दूसरा ब्रेड स्लाइस जिस पे हमें अप्लाई करनी है ग्रीन चटनी। हम इस पे ऐड करेंगे आलू की स्टफिंग। आलू की स्टफिंग को भी हमें पूरे ब्रेड पे अच्छे से लगा लेना है और फिर इसके बाद हम कवर कर देंगे उसे दूसरे ब्रेड स्लाइस से। यहाँ हमने रख दिया है ऑयल फ्राई करने के लिए। ब्रेड को हमें प्रॉपरली होल्ड करना है, उसे डिप करना है बैटर में। चारों तरफ से हम प्रॉपरली कोट कर लेंगे इसे बैटर से। अब हम इसे ऐड कर देंगे ऑयल में फ्राई करने के लिए। ऑयल में हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये नीचे से अच्छे से कुक ना हो जाए और इसका कलर जो है चेंज होके गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। चलिए टर्न करके इसे हम दूसरे साइड से भी प्रॉपरली फ्राई कर लेते हैं। दोनों साइड से ये अच्छे से फ्राई हो चुका है।
अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। जैसे ही ये हल्का सा ठंडा हो जाए तो हम यहाँ पे इसे कट कर लेंगे। हमें यहाँ पे इसे क्यूब्स में कट करना है। आप यहाँ देख सकते हैं अंदर से ये कितना मज़ेदार नज़र आ रहा है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, बट हम बनाने वाले हैं इसकी चाट, तो इसके अंदर हम लेके आएंगे कुछ ट्विस्ट। अब हम इस सिंपल से दिखने वाले ब्रेड पकोड़े की कर लेते हैं मज़ेदार गार्निशिंग। सबसे पहले हम इस पर ऐड करेंगे मीठा दही। दही हम इसमें इतना ऐड कर रहे हैं कि जो ब्रेड पकौड़ा है वो पूरा दही से कवर हो जाएगा। ब्रेड दही को पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा और उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हम यहाँ पे रैंडमली ऐड करेंगे ग्रीन चटनी। उसके बाद जहाँ जहाँ स्पेस बची है वहाँ पे हम फिल कर देंगे टोमेटो केचप से। स्प्रिंकल कर देंगे भुना जीरा पाउडर। अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे थोड़ा सा अनारदाना। लीजिए बनके रेडी हमारी माउथ वाटरिंग स्ट्रीट स्टाइल ब्रेड पकौड़ा चाट। जितने भी स्टेप हमने आपके साथ शेयर करे हैं उन सभी को आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो सेम ब्रेड पकौड़ा चाट आपकी भी बनके रेडी हो जाएंगी। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में से शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।